कलेक्टर शिवम वर्मा के माध्यम से आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित स्व सहायता समूह और स्थापित आजीविका संकुल केंद्र शासन की योजनाओं के माध्यम से हल्दी मसाला यूनिट की स्थापना की गई है। इस हल्दी उत्पादन यूनिट में क्षेत्रीय आदिवासी परिवार तथा हल्दी उत्पादक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। 77,18,000 रुपए की लागत से प्लांट डाला गया है। सभी को नमस्ते, मेरा नाम प्रीति है, मैं मॉडल शक्ति सीएलएफ संकुल बरगवा से की सदस्य हूँ। हमारे यहाँ पर शक्ति संकुल बरगवा में हल्दी पीसने का कार्य किया जाएगा, जिसमें यह मशीनें हैं, इनके लिए हमारे यहाँ 77,18,000 रुपए राशि अनुदान में दी गई है। हमारी सभी समूह सदस्यों के द्वारा व शहरीय परिवार इसके माध्यम से आजीविका का साधन प्राप्त करेंगे और उनके परिवार की आय बढ़ेगी। हमारे यहाँ पे 250 किसानों के यहाँ हल्दी उत्पादन का कार्य किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ आजीविका मिशन मसाला पाउडर के माध्यम से यह पाउडर जिले में व अन्य देश में भी भेजा जाएगा। और हम श्री शिवराज मामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, हमारी सारी समूह की दीदियाँ, कि उन्होंने हमारे यहाँ ये हल्दी पाउडर का आजीविका का साधन हमारी दीदियों को दिया। आज हम बहुत खुश हैं कि उनके माध्यम से हमारी दीदियों की आजीविका में बहुत बहुत बढ़ोतरी होगी। जिसमें एनआरएलएम द्वारा शक्ति संकुल बरगमा को हल्दी उत्पादक प्लांट के द्वारा क्षेत्र के 250 जनजातीय समुदाय के व्यक्तियों ने हल्दी उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया है। कराहल में संकुल बरगमा के द्वारा डाली गई यूनिट जनजातीय परिवारों के लिए सहारा बनी है। एनआरएलएम की शक्ति सीएलएफ द्वारा संचालित हल्दी यूनिट का अवलोकन अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल के कैबिनेट मंत्री दर्जा श्री सचिन चतुर्वेदी ने किया। इस दौरान शक्ति सीएलएफ द्वारा अवगत कराया कि स्थापित की गई हल्दी यूनिट के माध्यम से आमदनी में इजाफा हो रहा है, साथ ही सीएलएफ उचित दामों में हल्दी को बेचने में सहायक हो रहा है। शक्ति संकुल कराहल की सदस्य प्रीति सिंह ने बताया कि हल्दी यूनिट के साथ मसाला का भी उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें संकुल की आय निरंतर बढ़ रही है। मेरा नाम कलिया है, सभी दीदियों को सभी शरण को मेरे नमस्ते। और मैं कराल की रहने वाली हूँ और कराल में जो दूध ठंडे करने की मशीन लग रही है और उसी में का जो सब मेलन के एक भैंस है ना, तो वो दूध कम कम होता है, वो जहाँ खरीद के अच्छी दाम में बेची जाएगी। इस कार का जी 2 करोड़ रुपए मिले हैं और शिवराज सिंह मामा का जी बहुत बहुत धन्यवाद।